दोस्तों आज हम बनाएंगे गोभी ड्राई मसाला। ये बहुत आसानी से बनेगा और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। भुना मसाला इसमें हमने यूज़ किया है तो ये बहुत ही बढ़िया है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। सबसे पहले गोभी को हम 2 मिनट के लिए उबाल के ले लेंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, पानी में 1/2 चम्मच नमक डाला है। इससे गोभी थोड़ी पक जाएगी और फिर जब हम फ्राई करेंगे इसे तो हमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। नॉर्मली जो ग्रेवी होती है उसमें थोड़ी देर गोभी उबल के पक जाती है, लेकिन ड्राई में हम ग्रेवी नहीं बनाते इसलिए हम इसे पहले थोड़ा सा बॉयल कर रहे हैं। अब हम इसको छान के अलग ले लेते हैं। पैन में हमने ड्राई मसाले रोस्ट करने हैं तो मैंने 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 2 छोटी इलायची ली है, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाला है, खड़ा धनिया, और 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच सौंफ डाली है, साथ ही साथ 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च भी डाल रही हूँ। अब इसे धीमी आंच पे हम रोस्ट करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, धीमी आंच पे करना ज़रूरी है। तेज आंच से मसाले एकदम से जल जाते हैं, उसका अरोमा नहीं आता। धीमी आंच से जैसे जैसे धीरे 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 फ्राई होते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया अरोमा आता है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक मिक्सर जार में डाल देते हैं और हम इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए पैन ले लेते हैं, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 8 से 10 बारीक कटी हुई लहसुन ली है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने बारीक काट के ले लिया है। हल्का से इसे फ्राई होने देंगे। इसके बाद इसमें हमारी गोभी मिला देंगे। अब गोभी को हमें थोड़ी देर अच्छे से ऑयल में फ्राई होने देना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। मीडियम आँच पर ही करना है, तेज आँच पर नहीं करना है, तो गोभी पक भी जाएगी और अच्छे से इसमें रंग और खुशबू भी आ जाएगी। ये जो हमने लहसुन और अदरक पहले डाला है इसका जो फ्लेवर है वो हमारे गोभी में बढ़िया से आ जाएगा। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हमारी गोभी तैयार हो रही है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखना, हमने नमक पहले पानी में भी डाला था तो आप स्वाद के अनुसार ही ऐड करें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ, 1/4 चम्मच। मसाले डालने के बाद आप आंच को थोड़ा धीमे रखें, तेज होने से जल जाएंगे, तो धीमी आंच पे ही इसे अच्छे से मिक्स करें। हमारी गोभी पूरी तरह से इस मसालों में चारों तरफ से कोट हो जानी चाहिए। अब देखिए गोभी बढ़िया से कोट हो चुकी है। तो अब हमारा जो ड्राई मसाला हमने पीस के रखा हुआ है वो पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से आप मिक्स करें। दोस्तों हमने ड्राई मसाला बनाया है इसलिए अनियन का यूज़ नहीं किया है और ना ही किसी तरह तक की ग्रेवी का यूज़ किया है। ये एक साइड डिश के तौर पे हमने तैयार किया है, चाहे वो चपाती हो, राइस हो, जिसमें भी हो आप इसको खा सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट, एक भुने मसाले का टेस्ट इसमें अच्छा आता है, फ्लेवर और अरोमा बहुत बढ़िया है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें।